ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन अंगीभूत महाविद्यालय मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा में समाजशास्त्र विभाग एवं संस्कृत विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर एवं वंदना से शुरू किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शोधार्थी, छात्र छात्राएं, शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित थे। मुख्य वक्ता के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शाहिद हसन उपस्थित थे। वहीं उद्घाटनकर्ता के रूप में सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान उपस्थित थे। आगत अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ एवं मोमेंटो देकर किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय समाजशास्त्र के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोपी रमन प्रसाद सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उद्घाटनकर्ता के रूप में सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान एवं मुख्य वक्ता के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शाहिद हसन ने इस सेमिनार के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। कहकर गया है अपने समाजशास्त्र विवेचना में, उनका सिद्धांत पढ़ाया जाता है। कभी हम लोग छात्र थे समाजशास्त्र के, तो पंडित उग्रनाथ झा जी का समाजशास्त्र का परिभाषा एक पुस्तक थी, उसमें हम लोग पढ़ते थे। उन्होंने लिखा था समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये पढ़ाया जाता है बच्चे को। अभी भी अकस्मात मेरे चैम्बर में कोई समाजशास्त्र के विद्यार्थी पहुँचता है और जाकर ताव दिखाता, तो मैं कहता हूँ समाजशास्त्र की परिभाषा बताओ। मैं क्या कहा था तो घबरा जाता है। कोई विद्यार्थी अगर पोलिटिकल साइंस का पहुंचता है तो मैं कहता हूँ प्लेटो ने क्या कहा था समाजशास्त्र के बारे में, जरा बताओ। हो जाता है मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ तो मैं कहूँ ठीक है जरा मार्क्स का सिद्धांत बता दो, तो हो गया। आज का जो मौजूद विषय है, जो विचारणीय विषय है, सांस्कृतिक प्रत्युत्थान में आधुनिक भारतीय विचारकों का योगदान, तो यह विषय बहुत ही गूढ़ है और बहुत ही मार्मिक है और व्यापक है। इसको कहाँ से स्टार्ट करूं? तो जहाँ तक प्रवक्ता और उद्घोषकों ने कहा था कि मेरा विषय मैत्री रहा है, मैं आपको आप सबों को यह विनम्रता के साथ स्विच कर दूं कि मैं भी समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री किया, इतिहास में मास्टर डिग्री किया। चाहता हूँ जहाँ सांस्कृतिक और संस्कृत की बात है, जहाँ मिथिला का सुग्गा से लेकर के पनभरमी से लेकर के घसकटनी से लेकर के चरवाहा तक संस्कृत का वाचन करता था, वो भी एक संस्कृति का दौर था। इस मिथिला में जहाँ शंकराचार्य जा करके स्वयं पराजित होकर के लौट कर गए, पुनर्जन्म लिए, पुनः आए और द्वैतवाद और अद्वैतवाद का उन्होंने मुख्य रूप से उसकी विवेचना की है। पासवान जी पूर्व जी डॉक्टर जी आदमी सिंह जी डॉक्टर चौरसिया जी सुनीता कुमारी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। मैं आपका जो समय दिया गया है 20 मिनट उससे कम ही बोलूँगा, समय ज़्यादा नहीं दूँगा। फूलो पासवान ने डॉक्टर फूलो पासवान ने सोसाइटी की चर्चा की और कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये शुरुआत ये सोसाइटी जिसको मेकाइगर ने प्रस्तुत किया पुस्तक को, सोसाइटी तो ब्रह्मांड में आया, जब मानव आए, जब मानव का जन्म हुआ तभी से सोसाइटी बनी, जहाँ टू और मोर पर्संस जमा होते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं, सामाजिक संबंध बनाते हैं, इसके स्ट्रक्चर के अंतर्गत रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर के अंतर्गत तो समाज तो बनना है। और समाज में जैसा कि हमारे गोपी रमन जी ने कहा कि ये क्या है, समाज जो है ये संस्कृति जो है मानव स्वयं बनाता है, उसका निर्माण करता है। इसका मतलब है डॉक्टर गोपी रमन जी ने काफ़ी अपनी गहन अध्ययन करके हर्शकोविट्स की बात को प्रस्तुत किया है। हर्शकोविट्स ने कहा कल्चर इज दी मैन मेड पार्ट ऑफ दी
निर्माण हुआ। तो संस्कृति पर्यावरण निर्मित उसका एक भाग है। कुतुब सिंह ने भी अच्छी अच्छी बातें कही, अपनी जीवन की गोपनीय बातों को भी साझा किया। मुझे खुशी हुई महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो बाधाएं उनके साथ उत्पन्न हुई और लोगों का दरवाजा उन्होंने उनके ससुर महोदय ने खोला, इसकी खुशी हुई। आज मूल रूप से ये कहना है कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान में हमारे आधुनिक जो विचारक हैं उनका क्या योगदान है। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए, जैसा इन्होंने कहा, कल्चर इज द मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो संस्कृति कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज बिलीफ आर्ट मोरल्स लॉ कस्टम्स एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय मैन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। कल्चर इज नॉट एक्टिविटी रैदर पैटर्निंग ऑफ एक्टिविटी। और उद्घाटन करता ने मैकाइवर का रिफरेंस दिया, इसलिए मैंने भी उनको जवाब में मैकाइवर का भी रिफरेंस दे रहा हूँ कि आवर कल्चर इज व्हाट वी आर। तो इस तरह का डिफिनेशन देके संस्कृति को प्रस्तुत किया कि संस्कृति क्या है। अब संस्कृति के उत्थान में हमारे मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट, हमारे मॉडर्न समाजशास्त्री विचारक लोगों ने क्या कहा, इसमें विवेकानंद जी ने अपने विश्व धर्म संसद में 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका का थर्ड हाईली पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन टाउन है, उसमें विश्व संसद में उन्होंने कहा, भाग लिया और कहा, जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। वो इतनी अच्छी बातें उन्होंने कही कि मनुष्य की जितनी भी धर्म है वो संप्रदाय से नहीं बनी हुई है, और संप्रदाय चूंकि धर्म संस्कृति से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है रिलीजन धर्म से, तो इसलिए धर्म का जो वर्णन आता है वो सांस्कृतिक उत्थान के अंतर्गत आता है। तो स्वामी विवेकानंद का विचार आपने देखा, महात्मा गांधी का विचार सुन लीजिए। महात्मा गांधी ने बहुत सारी विचारधाराओं को प्रस्तुत किया, सत्य को, अहिंसा को, क्रस्टिशियन को, इसमें एक अरबी शब्द का भी प्रयोग उन्होंने कर दिया, शायद आप लोग नहीं जानते। उनका एक टेक्निक था हिजरत, फूलो पासवान जी हिजरत का माने जानते होंगे, इसलिए कि ये मुस्लिम संप्रदाय के बीच ज्यादा रहे हैं, इसलिए उनको उनका इंटरेक्शन अधिक महसूस हुआ है। हिजरत का अर्थ होता है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो अपनी बातों को मनवाने के लिए प्रशासन से या विभाग से अहिंसात्मक रूप से मूवमेंट किया जाता है। महात्मा गांधी ने मूवमेंट किया, सत्याग्रह किया, चंपारण आंदोलन किया, मूवमेंट किया, इस तरह उनका ये योगदान बहुत ही सराहनीय था। महात्मा गांधी के बाद आते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, जिनके गुरु थे मैक्स मूलर, जो पैट्रिक गेडिस की अध्यक्षता में मूलर एक टीचर थे, प्रोफेसर थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी, वहाँ ही पढ़ते थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वहाँ वो जन्म लिए थे 1891 ईस्वी में। और न्याय मंत्री इस काम से पूरे विश्व में और पूरे संसार में, पूरा भारतवर्ष में हमेशा याद रखेगा डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर। उसी तरह डॉक्टर इकबाल की चर्चा सुबिका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मारवाड़ी कॉलेज ने भी कहा कि डॉक्टर इकबाल ने भी अपनी बहुत सारी काव्य में, कविता में, पुस्तकों में देश की एकता, अखंडता, प्यार, भाईचारा की चर्चा की। डॉक्टर इकबाल की एक पुस्तक है जो अविभाजित भारत, यानी वो पाकिस्तान था, अविभाजित भारत था लाहौर में, एक उनकी
पुस्तक प्रकाशित हुई 1924 ईस्वी में, जिसका नाम था बागे दरा। बागे दरा का मतलब होता है कारवां की, हंटों की आवाज। उसमें उन्होंने देश की एकता, अखंडता, प्यार, भाईचारा का संदेश दिया। और उन्होंने कहा, हमेशा उन्होंने संदेश दिया कि लोग अंग्रेजों के इसमें डर हैं, वो फूट डालो, राज करने की राजनीति कर रहा है, आप सब मिलजुल के देश की आज़ादी के लिए आगे बढ़ो और हमेशा देश का पुनर्गठन करो, संस्कृति को अपने कायम रखो, अपनी संस्कृति को मत भूलो, डॉक्टर इकबाल ने कहा। डॉक्टर इकबाल विभिन्न धर्मों के भी अनुयायी, माने विभिन्न धर्मों के भी प्रशंसक रहे। उन प्रशंसकों में डॉक्टर इकबाल राम के भी, श्री राम के भी बहुत ही प्रशंसक थे। डॉक्टर इकबाल श्री राम के संबंध में एक पूरी नज़्म लिखे, उन्होंने लोग नहीं जानता होगा वो कब किस किताब में लिखे, बागे दरा 1924 में प्रकाशित हुई, उसमें लोग नहीं जानते हैं, कंफ्यूजन पैदा करते हैं, ऐसे कंफ्यूजन से कंट्राडिक्टरी व्यू से अलग रहना चाहिए। हम कंफ्यूजन और कंट्राडिक्टरी व्यू देने नहीं आए हैं, हम आपको उन्हीं बातों की चर्चा करने आए हैं। राम के संबंध में डॉक्टर इकबाल ने जो बातें कही वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और करते हुए ये कह सकते हैं कि डॉक्टर इकबाल ने ये कहा हाँ, डॉक्टर इकबाल रामायण का भी उर्दू रूपांतर करना चाहते थे। अपनी लंबी बीमारी के कारण 1938 में 5:15 पर उनका डेथ हुई। 1938 में जब ऑल इंडिया लाहौर था तब 1938 में डॉक्टर इकबाल का डेथ हुआ। वो रामायण के काफ़ी प्रशंसक थे, राम शीर्षक से काफ़ी माने मजमूने लिखी हैं, और राम की प्रशंसा में उन्होंने बताया राजा दशरथ के कैसे वो अनुयायी थे और कितना उनके भक्त थे और उनके कितने अनुशासन अच्छे थे, उसके संबंध में उनके श्री राम के पुरुषत्व के माने कितने भक्त थे और उनका अनुशासन का पालन कर रहे थे, उसके संबंध में इकबाल ने कहा। डॉक्टर इकबाल ने गुरु नानक की चर्चा की, डॉक्टर इकबाल ने गौतम बुद्ध की चर्चा की, लॉर्ड कृष्णा की चर्चा की और कृष्ण भगवान की चर्चा की, लॉर्ड कृष्णा कृष्ण भगवान की चर्चा की और इन सबों पर नज़्म लिखा। इस तरह इकबाल ने समन्वयवादी दृष्टिकोण रखकर सभी धर्मों का विस्तार किया और सभी संस्कृतियों के की अच्छी अच्छी बातों को रखा और कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्या है, मानवता का धर्म है, इंसानियत का धर्म है, लोगों के दुख तकलीफ को कम करने का धर्म है, वही धर्म ही संस्कृति है और उससे उसको जागृत करना चाहिए, उस संकल्प पर चलना चाहिए, देश की एकता को, अखंडता को, प्यार को, भाईचारे को आगे बढ़ाइए, यही हमारा धर्म है। जय हिंद।